राजस्थान के नवनियुक्त यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं ज्वाइन करने के साथ ही। आज महत्वपूर्ण बैठक ली है कई विभागों की और कड़ी निर्देश दिए हैं कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को। जी, किस तरह की मीटिंग थी, किस तरह की समीक्षा? मेरे सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाया था और मेरे मंत्री बनने और विभाग के बंटवारे के बाद जो जानकारियाँ इन विभागों के संबंध में, जो शिकायतें जनप्रतिनिधियों द्वारा जो कुछ मुझे बताया गया, आम जनता के भी बहुत से प्रकरण मेरे सामने आए, उन सारों का मैंने अध्ययन करने के बाद आज की मीटिंग बुलाई थी और हर मामले में मैंने विस्तृत टिप्पणियाँ उनसे मांगी हैं, सूचनाएँ उनसे मांगी हैं और मैंने उनको साफ निर्देश दे दिया है कि आज के बाद हर विभाग में कार्य प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी हो, भ्रष्टाचार रहित हो, जो भी योजना परियोजना विकास के काम आप करवाते हैं विभिन्न विभाग, वो पूर्ण गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे हों और विभागों में आपस में समन्वय भी स्थापित करवाएं। कई बार एक विभाग रोड बनाता है, 3 महीने बाद जलदाय विभाग आ जाते हैं कि हमें इधर से पाइपलाइन डालनी है, वो उस सड़क को तोड़ जाते हैं, कभी सीवरेज में खोद देते हैं, कभी कुछ करते हैं। मैंने उनको ये भी निर्देश किया है कि सभी विभागों से समन्वय स्थापित करें और उनका कम से कम साल भर भी नहीं तो 8-10 महीने पहले तक का क्या इस किसी क्षेत्र में कोई कार्यक्रम तो नहीं, किसी प्रकार का कोई काम तो नहीं होना है और उसी के मुताबिक आप काम करें तो अनावश्यक सार्वजनिक धन की बर्बादी नहीं होगी। और इसके अलावा कुछ मामले ऐसे थे, जैसे मैं दो विद्याधर नगर मेरा दो बार कार्यक्रमों में जाना हुआ, कुछ सड़कें बहुत 4-6 महीने पहले शायद नहीं बनी थी और कई जगह जल भराव दिखा मुझे और उस जल भराव के कारण वो सड़कें टूट गई, तो मैंने ये भी निर्देशित किया कि ये त्रुटि क्यों रही और भविष्य में इस प्रकार की अगर त्रुटि रहेगी तो जिम्मेदारी तय कर दी जाए। तो बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है यूडीएच विभाग को लेकर, और ये भी चल रहा था पिछले दिनों जब आपको ये महत्वपूर्ण विभाग मिला पत्र अखबारों में कि शहरी क्षेत्र से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते फिर भी इतना जो नगरीय विकास से जुड़ा हुआ विभाग और इंफ्रा को डेवलप करने वाला विभाग, इतना महत्वपूर्ण विभाग मिला, किस तरह की चुनौती लेते हैं? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, हर चुनौती को स्वीकार करके चुनौती पर विजय प्राप्त करना आता है मुझे। मेरे लिए कोई ज़्यादा परेशानी होगा क्योंकि मैं अध्ययन खूब करता हूँ और इस डिपार्टमेंट के आने के बाद मैंने इसके बारे में बहुत से नियम कायदों को पढ़ा है, जानकारियाँ प्राप्त की हैं, इसलिए मुझे किसी प्रकार निश्चित तौर पर आज की बैठक में ये साबित हो गया कि आपको अनुभव है इस डिपार्टमेंट का और पूरी तरह पकड़ पहले ही दिन आपने जो इस बैठक में महसूस करवाई। लेकिन अभी जो पिछली गहलोत सरकार में जो के कार्यकाल में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं अभी, उनको लेकर क्या किस तरह की समीक्षा रहेगी? 6 माह के कार्यकाल की सरकार जांच भी करेगी समिति बन के, तो फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, जो भी कुछ पिछले 6 महीने नहीं, पिछले 5 साल में हुआ, जो सही हुआ वो सही है, जो गलत हुआ उसकी जांच होकर जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे। तो ये थे झावर सिंह खर्रा, राजस्थान के नए यूडीएच मंत्री, जिन्होंने आते ही पूरे तरह एक्शन मोड में बैठक ली, अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उनका कहना है कि ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ काम हो तो चाहे पिछली सरकार में किया गया काम हो उसको भी निरंतर जारी रखेंगे। फिलहाल कैमरा के पीछे अंशुल शर्मा, मैं विजय वर्मा, जनता दरबार न्यूज़ के लिए नमस्कार।